नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Z Flip 6 versus Samsung Galaxy S24 Ultra 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z Flip 6 में 6.5 इंच जबकि S24 Ultra 5G में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z Flip 6 से कम है। विड्थ की बात करें तो Z Flip 6 में 2.83 इंच जबकि S24 Ultra 5G में 3.11 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Z Flip 6 में 0.27 इंच जबकि S24 Ultra 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z Flip 6 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z Flip 6 में 187 ग्राम जबकि S24 Ultra 5G में 232 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z Flip 6 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही डायनामिक एमोलेड 2X की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z Flip 6 में 6.7 इंचेस जबकि S24 Ultra 5G में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z Flip 6 में 1080x2640px FHD और S24 Ultra 5G में 1440x3120px QHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z Flip 6 में 85.63% जबकि S24 Ultra 5G में 88.34% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z Flip 6 में 426 पिक्सेल प्रति इंच जबकि S24 Ultra 5G में 505 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z Flip 6 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और S24 Ultra 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z Flip 6 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S24 Ultra 5G की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z Flip 6 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और S24 Ultra 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 4 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 750 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z Flip 6 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि S24 Ultra 5G में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 512GB 1024GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z Flip 6 में 4000mAh जबकि S24 Ultra 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z
Z Flip 6 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 109,998 रुपीस, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 121,998 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें S24 Ultra 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 109,100 रुपीस, 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 139,999 रुपीस, 12 GB रैम 1024 GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 6 में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra 5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में S24 Ultra 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।